जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडोमोनास फ्लोरिसेंस के बारे में। सूडोमोनास फ्लोरिसेंस जो होता है एक मित्र बैक्टीरिया होता है जो हमारी फसलों में, चाहे वो फंगस के कारण रोग आए हों, चाहे बैक्टीरिया के कारण रोग आए हों, या फंगल डिजीज हो चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, दोनों तरह के रोगों की रोकथाम हमारी फसलों में करता है। हम इसका प्रयोग किसी भी फसल में और किसी भी रोग की रोकथाम के लिए कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर हमारा जो ट्राइकोडर्मा होता है वो केवल फंगल डिजीज़ की रोकथाम हमारी फसलों में करता है जो फंगस के कारण रोग आते हैं, लेकिन वहीं जो हमारा स्यूडोमोनास है, चाहे फंगस के कारण रोग आए हों चाहे बैक्टीरियल डिजीज हों, दोनों तरह की रोकथाम वो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइकोडर्मा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जो हमारा स्यूडोमोनास होता है। आप चाहे जैविक खेती करते हैं चाहे रासायनिक खेती करते हैं, स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो स्यूडोमोनास होता है ये हमारी बॉडी के लिए और ह्यूमंस के लिए और हमारी सॉइल के लिए एकदम हेल्दी रहता है, सेफ रहता है। ये हमारी जो सॉइल है उसकी कंडीशन को कहीं ना कहीं बेटर करने का काम करता है, और हमारे लिए भी यदि हम ऐसी क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसको कोई भी खाता है तो उसके लिए भी एकदम सेफ रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको यूज करिए। जहाँ पर आप रासायनिक जो फंजीसाइड लाते हैं वो अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग फंजीसाइड का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर ये रोग है तो ये वाला फंजीसाइड डालना है, वो रोग है तो ये वाला फंजीसाइड डालना है, तो हमें अलग अलग यूज करना पड़ता है। वहीं पर स्यूडोमोनास हमारा कोई भी रोग हो उसमें एक ही प्रोडक्ट काम करता है और काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है, तो हमें क्यों ना स्यूडोमोनास का यूज हमें क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिएगा। उसके साथ साथ जो ये मार्केट में मिलता है अलग अलग फॉर्मुलेशन में आपको मिलता है, जैसे 0.5% WP, 1% WP, 1.5% WP या 1.75% WP, तो यही फॉर्मुलेशन का मतलब होता है। आप जितना ज़्यादा परसेंटेज वाला स्यूडोमोनास परचेज करेंगे उसमें बैक्टीरिया की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, उतने अच्छे से वो काम आपके फसल में आपके खेत में करेगा। तो आप इसका बिल्कुल प्रयोग करिए। हमारी फसलों पर जाए बैक्टीरियल विल्ट हो, फ्यूजेरियम विल्ट हो, या हमारा जो हमारा आता है कॉलर रॉट डैम्पिंग ऑफ जिसको हम बोल देते हैं, उसकी भी रोकथाम ये करता है। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कैंकर रोग, ये हर तरह के रोग की रोकथाम हमारी फसलों में करता है, और हर फसल में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, इसका प्रयोग आप जरूर करिएगा। इसके प्रयोग की यदि हम विधि की बात करें कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, पहला आप इसको सीड ट्रीटमेंट में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार कर सकते हैं। किसी भी फसल की बुवाई से पहले उसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें, और उसके लिए सबसे जो बेहतर है वो स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा से भी बेहतर है स्यूडोमोनास। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 ग्राम स्यूडोमोनास लेंगे और उसका थोड़ा हल्का गाढ़ा घोल बना के और 1 किलोग्राम बीजों पे छिड़क के उसमें अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद उन बीजों को छाया में सुखाकर आप बुवाई कर सकते हैं, इससे आपका जो कॉलर रॉट या डैम्पिंग ऑफ आता है वो समस्या नहीं आएगी और फंगल डिजीज आपकी जो सीड में नहीं आएगा, सीड का जर्मिनेशन अच्छे से आएगा, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हम जब भी हम किसी भी फसल की बुवाई करते हैं, बुवाई किससे पहले हम इसको जब भी हम अंतिम जुताई करते हैं उस समय हमें खेत में डालकर अच्छे से मिला देना चाहिए। उसके लिए आप 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छे से मिला के 5 दिन के लिए कहीं छाया में छोड़ देंगे, उसमें धूप नहीं लगना चाहिए, एकदम छाया वाले स्थान पर छोड़ दें। उसके बाद उस 100 किलोग्राम गोबर की खाद को 1 एकड़ खेत में अंतिम जुताई के समय, जब भी कोई आप क्रॉप लगाने जा रहे हैं उसकी अंतिम जुताई कर रहे हैं उसमें, उससे पहले उसको डालकर अच्छे से मिला देना चाहिए। इससे आपकी फसलों में जितने भी मृदा जनित रोग आते हैं वो नहीं आएंगे, और बहुत सारे रोग जो भी चाहे बैक्टीरिया जनित रोग हों चाहे फंगस जनित हों, किसी भी तरह का रोग हो वो आपकी फसल में नहीं आएगा, आपकी फसल एकदम सेफ रहेगी। उसके बाद भी यदि आपकी फसल में कोई रोग आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, किसी भी तरह की बीमारी है चाहे फंगल डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसके लिए आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका स्प्रे रहता है। तो स्प्रे में यदि आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 20 लीटर पानी में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिलाकर उसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाएंगे, उसके बाद जो हमारा 50 ग्राम गुड़ को और अलग से घोल के पानी में और उसमें डाल लेंगे, उसी पानी में 20 लीटर की जो टंकी है उसमें डालकर इन तीनों चीज़ों को मिला करके अच्छे से हम स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे किसी भी तरीके का रोग हो वो हमारी फसलों में
उसकी रोकथाम बहुत ही आसानी से कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। हम गुड़ इसमें इसलिए डालते हैं कि गुड़ चाहे वो फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो उसकी ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि उसकी जो वृद्धि है वो तेज़ी से करता है और जितने ज़्यादा उनके वो मल्टीप्लाई होता है उतने ही उसका हमें रिजल्ट देखने को अच्छा मिलता है, चाहे वो स्यूडोमोनास हो चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, वो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट हमारी फसलों में उसका देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप स्यूडोमोनास का प्रयोग जरूर करिएगा। आप इसको अपनी लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं, चाहे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी इसका चेकआउट कर सकते हैं। स्यूडोमोनास का प्रयोग करते समय में कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे कि स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, खेत में डालते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुबह को या शाम को ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, दोपहर में या तेज़ धूप में इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खेत में भी हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए तेज़ धूप में। उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का ही आपको ट्राइकोडर्मा परचेज करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा परचेज करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, यदि वो एक्सपायर है तो आपके फील्ड में वो अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर आप चेक करें। उसके साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा जब भी आप खेत में या स्प्रे दे रहे हैं उसके स्प्रे के 15 दिन बाद और 15 दिन पहले तक आप कोई भी रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक केमिकल्स का प्रयोग ना करें, रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, रासायनिक फंजीसाइड का प्रयोग बिल्कुल ना करें 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, उसके बाद आप चाहें तो कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ जरूर करके जाइएगा। उसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।